हेलो टू एवरीवन। तो भाई लोग मैं होप करता हूँ आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और व्लॉग विद जट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई लोग आज आपके सामने है डिस्कवर 100T। बेसिकली भाई ये है इसका 2014 का वेरिएंट। 7 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं और बजाज ने 100T जो निकाली थी वो निकाली थी जनवरी 2013 में। तो भाई ये गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा प्यारी मुझे इसलिए लगी है क्योंकि इसकी जो सीट कैपेसिटी है 5 लोग, हम 4 लोग तो इसमें अंदर आराम से बिठा सकते हैं अगर हम दोस्त हैं तो। बट बेसिकली इस टाइम कोरोना चल रहा है तो मेरा कहना यही है कि भाई एक ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर मैं बताऊं तो हाल फिलहाल में ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है और बजाज के लाइनअप के अकॉर्डिंग इस गाड़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा थी। अगर 100cc के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो सबसे पहले आप चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। हाँ तो भाई लोग सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई वो है इसके अलॉय व्हील्स। तो भाई 5 स्पोक्स अलॉय व्हील्स इसके अंदर आते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो पुरानी वाली में स्टील रिम हमें दे दी जाती थी बट अब जो इसके अलॉय व्हील है ना उनका डिजाइन बहुत ज्यादा सही है और मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इन 7 सालों में अलॉय व्हील्स के अंदर। जैसे कहते हैं ना अलॉय व्हील अगर कभी गड्ढे वड्ढे में जाते टूट जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि शॉकर्स काफी अच्छे हैं उस गाड़ी के। अब चलते हैं इसके फ्रंट लुक में। सबसे पहले नजर जाती है भाई इसके हैलोजन बल्ब। सामने से आप इसका लुक देखो तो काफी स्पोर्टी सा लुक दिया गया बट आप जैसे देख सकते हो इस चीज का। तो हैलोजन बल्ब्स की बात कर ले तो भाई फोकस बहुत ज्यादा से इसका फोकस हमें मिल जाता है हैलोजन बल्ब्स का। बगल में हमें मिल जाते हैं 2 इंडिकेटर्स और ऊपर की साइड हमें मिल जाते हैं छोटे लाइट्स। तो सामने की साइड से कुछ ऐसा लुक है इस पूरी गाड़ी का। अब चलते हैं भाई इसके स्पीडोमीटर पे। स्पीडोमीटर की बात करूँ तो ऐसा कुछ इसका स्पीडोमीटर हमें मिल जाता है। यहाँ हमें फ्यूल टैंक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ हमें इसका स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ रिमेनिंग जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो हमें इसके मिल जाती है जैसे न्यूट्रल की, बैटरी की, इंडिकेटर की, ये की होल दिया गया। अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो भाई 10 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक दिया गया है और अगर एवरेज की बात करें इस गाड़ी की तो भाई कंपनी तो क्लेम करती थी 75 KMPL का और मैं सच्ची बता के बोल रहा हूँ भाई इसने मेरे को 45 या 48 से ज़्यादा कभी भी एवरेज दिया। हाल फिलहाल ये 35 के आसपास एवरेज दे रही है और पता यार थोड़ा चलाने चलाने का तरीके वाली बात है, हम थोड़ा से भगाते हैं गाड़ी को इसलिए। और इसके इंजन की बात करूँ तो भाई 100cc का हमें इसके अंदर इंजन मिल जाता है और 7 साल के बाद भाई अब इसके इंजन हम खुलवा चुके हैं, मतलब इसका इंजन अब सही हो चुका है। काफ़ी दिक्कत आ रही थी बीच में इंजन में इसलिए। तो भाई अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ वो मुझे इस गाड़ी में ख़राब ये लगी, भाई इंजन है 100cc का, इसके अंदर 5 गियर देने का क्या सेंस है? इसके अंदर उन्होंने 5 गियर दिए, भाई कितना चेंज करोगे गियर को? DTSI ट्विन स्पार्क हमें इसके अंदर इंजन मिल जाता है लेकिन 5 गियर कोई सेंस नहीं था पर इन्होंने दे दिए थे। भाई आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कि अगर आपके पास जो भी बाइक है उसके साथ आपका एक्सपीरियंस इतने सालों में कैसा रहा है। हाल फिलहाल मैं बताऊं तो भाई मेरे साथ तो ये बहुत सही रहा है। अपनी बुलेट भी जल्दी आएगी, लॉकडाउन की वजह से रुक गई है भाई, मैंने कहा था जल्दी आएगी बट अब मैं भी क्या करूं, मेरा सारा प्रोसेस हो चुका है और थोड़ी सी एक दिक्कत आई है उसकी वीडियो में जरूर बताऊंगा भाई LS सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्या क्या है सीन। बट हाल फिलहाल पीछे की साइड चलें तो भाई पीछे की साइड हमें मिल जाता है चेन और ये चेन कवर इसका टूट गया यार, जंगमंग लग जाती है, थोड़ा पानी खराब है। पीछे की साइड चलते हैं तो यहाँ मिल जाता है भाई हैलोजन टेल लैंप्स, इसका लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऊपर की साइड हमें मिल जाती है छोटी सी लाइट, इधर हमें मिल जाता है भाई इंडिकेटर दोनों और पीछे से कुछ ऐसा लुक में इस गाड़ी का दे दिया गया है। साइड में चलो तो भाई साइड की साइड हमें मिल जाता है साइलेंसर, इधर हमें दे दी गई, किक से भी स्टार्ट होती है और सेल्फ से स्टार्ट तो नॉर्मल सी चीज़ है। भाई एक चीज़ अगर मैं इस गाड़ी के बारे में आपको बताऊं तो इस गाड़ी ने मुझे धोखा कभी भी नहीं दिया, धोखा इन द सेंस देखा जाए कि बीच में बंद हो जाना या कुछ भी। और सेटिंग के मामले में गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी है, एवरेज उसने ठीक ठाक दिया है बट एक जो सबसे गंदी चीज़ है ना उस गाड़ी की वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। मैं अभी स्टैंड पर खड़ी हुई है तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है। बेसिकली जब भी कभी ज़्यादा थोड़ी स्पीड ब्रेकर आता है ना ये टच हो जाता है नीचे तो ये बहुत खराब लगता है यार, मतलब रोड पे ऐसे टच हो जाता है मुझे डर लगता था कभी टूट टाट ना जाए। और बजाज की गाड़ियों में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना भाई वो ये थी जो मैंने फेस करी भाई, ये वाले बोल्ट, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यार बहुत टाइम मतलब कुछ टाइम में टूट ही जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लोड पड़ जाता ये वाले टूट जाते थे। तो यार ये थोड़ा मैंने कहा यार ये तो फालतू सी चीज़ यार ऐसे ख़राब हो जाते, मैंने 3-4 बार चेंज करा दिए इन 7 सालों के अंदर। तो एक ये भी मेरा एक खासा सा गंदा सा एक्सपीरियंस रहा है, अदरवाइज बाकी सारे एक्सपीरियंस सब बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूमे हम इस गाड़ी के ऊपर। तो जस्ट अ स्मॉल आप से ओनरशिप रिव्यू बोल सकते हो। अगर वीडियो यहाँ तक देखी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, शेयर करते रहिए मेरे चैनल को। 600 सब्सक्राइबर्स हमारे फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं तो भाई उसके लिए थैंक यू सो मच, आप ही लोगों का सपोर्ट है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो आने वाली है top 10 SUVs के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए
थैंक यू सो मच।